कुबेर जी अपने रत्नों की वर्षा
धन्यवाद करते हैं आपका और गीत के माध्यम से भक्ति करते हुए ऐसे सोचा जो स्त्री विशेष हलचल भी नहीं हमें प्रतीत हो रही, एक बार माने विचार किया, विचार कि भगवान लो गई थी गोदी में भरया दीजिए। वंदिता कौन सा मंत्र का जाप है? महामंत्र को
स्मरण करते रहना ठीक है नमो आय अंतरा इनको सिद्धाणम हां नमो आय जणम हां नमो वत्सजणम हां नमो लोक सब सहण लोपत उतने छोटे से नियम से तेरा कल्याण हो जाएगा पर तब मुझे आया नहीं है बोलना एक बार मैं बोल के बताऊं हां बोल नमो अरिहंतारम हां नमो सिद्धारम हां नमो आइडियालम नमो ओछायालम नमो लोय सब सब पढ़ गया मैं देता पढ़ गया
यही रही वह औषधि, इसको खिला देना, इनकी हृदय की बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चल जाऊंगा। अरे मैं एक बात बताना तो भूल गया, क्या इस औषधि को ऐसे नहीं खाते? ऐसे खाते बताइए। इस औषधि का सेवन मात्र मात्र कौवे के मांस के साथ होगा। नो 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 स्वामी, अगर आप उस दिन लेंगे तो आप सस्त कैसे होंगे? स्वामी लोकल के मुझे बाल याद है जब हम शिखर के लिए पर्वत की ओर जा रहे थे तो बंदे प्यार ने मुझे तो नियम दिया था, उस नियम का पालन करूंगा आज मैं नहीं मानती ऐसे नियम को जो जीवन ले ले लोग खोल के यह जीवन नहीं ले रहा मेरा नियम, बल्कि मेरे जीवन का उद्धार करने वाला नियम है। गल के उद्धार करने वाला नियम है गल के मेरे शरीर से प्राणी क्यों ना चले जाए, परंतु दिगंबर संत के लिए नियम को मैं भंग नहीं कर सकता। रमो सिंधारम रमो अलियाड़म रमो अजयाड़म रमो लोए सब दाउड़ो अगर एक नियम तोड़ देती तो क्या होता तुम्हारा? छोड़ कर चले गए मुझे, जीवन में नियम संयम जरूरी है यह बात आज हमें पता चल गई। आप जुड़ कर चले गए भैया। इस प्रकार उस भील का नियम धारण करने का प्रभाव देखो, बल देवता के द्वारा लिए हुए नियम का कठोरता से पालन किया। भैया इसमें मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर उसको नियम लेकर मिला क्या है? आप बोल रहे उसने प्राण त्याग दिए, क्या मैं भी ऐसी प्राणों का त्याग कर दूंगा? अगर तुम नियम अपने जीवन में धारण नहीं करोगे तो ऐसे ही नशा करते करते एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सोचो समझो, अपने धन का गलत उपयोग कर रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो और गलत रास्ते पर चल रहे हो। और एक बात जानते हो, एक छोटे से नियम का प्रभाव इतना था। क्या प्रभाव था?
छोटा सा नियम उस भील के जीवन में इतना अच्छा संयोग बनकर आया, इतना अच्छा संयोग बनकर आया कि एक छोटे से नियम के प्रभाव से, एक कौवे के मांस के त्याग के प्रभाव से उस भील की सदगति हुई और 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी हुए। धन्य है जैन धर्म, धन्य है जैन धर्म। इसलिए मैं तुम्हें मनावरा लेकर चलता हूं, जहां पर पंच का मेला चल रहा है, जहां पर साक्षात विराजमान है मुनि श्री एकनाथ सुंदर सागर जी महाराज, उनके चरणों में आ जाओ। ये नशे की गोलियां सब दूर कर दो, सारी नशे की वस्तुएं दूर कर दो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। पैसा बर्बाद तो कर लिया, लेकिन इस शरीर को और बर्बाद ना करो। आओ मेरे साथ, उनके सामने नियम धारण करो, गुरुदेव से बोलो कि मैं कभी भी मद्य मांस मधु किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। हे गुरुदेव, आज मुझे जैन साहब ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। गुरुदेव, इन्होंने अपने जैन धर्म की बात कही, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है। गुरुदेव, मैंने अपना जीवन यूं बर्बाद कर दिया, परिवार टूट गया, रुपया पैसा डूब गया। हे गुरुदेव, मुझे ऐसा नियम दो जिससे मैं सदमार्ग पर चलूं, अच्छे कार्य करूं, अपने जीवन को साकार करूं। गुरुदेव, कहते हैं दिगंबर संत की आभा इतनी अच्छी होती है कि उनकी चरण रज पा लेने से कर्मों का क्षय हो जाया करता है, क्षय हो जाया करता है। मेरे जीवन का उद्धार करे गुरुदेव, उद्धार करे। बोलिए मुनि श्री 108 सुब्रत सागर जी महाराज के। आज से मैं नियम लेता हूं गुरुदेव, किसी भी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा, ना ही किसी को करने दूंगा, करने वाले को मैं रोकूंगा। धन्य है जैन धर्म, धन्य है जैन धर्म, धन्य है जैन धर्म, धन्य है जैन धर्म। सभी को हंस के कस के मुस्कुराने आपस में जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।